ये तो बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है सुई धागा मेड इन इंडिया, और इस फिल्म में लीड रोल निभा रही हैं अनुष्का शर्मा। लेकिन एक वक्त ये भी था जब अनुष्का ने मना कर दिया था सुई धागा की ममता बनने से। वरुण अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म सुई धागा का ट्रेलर मंडे को रिलीज कर दिया गया। फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज किया गया तो फिल्म से जुड़ी कई चीजें लोगों तक पहुंची भी। फिल्म में वरुण धवन एक दर्जी और अनुष्का शर्मा उनकी पत्नी बनी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिला और 12 घंटे से कम वक्त में यूट्यूब पर 20 लाख व्यूज भी मिले। पहली बार एक अनुष्का शर्मा ने इस तरह का किरदार पर्दे पर प्ले किया है, इसके लिए उन्हें अच्छी सराहना मिली। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अनुष्का ने बताया था कि जब डायरेक्टर शरद कटारिया और मनीष शर्मा ने इस फिल्म के लिए उनसे कॉन्टैक्ट किया तो वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी इस किरदार से वो न्याय कर पाएंगी। हालांकि बहुत देर समझाने के बाद उन्होंने फिल्म हाँ किया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये किरदार कर पाऊंगी। मैं शरद और मनीष को बता चुकी थी कि आपकी कहानी शानदार है और मुझे खुशी है कि वायरफ ये फिल्म बना रहा है, लेकिन ये किरदार मेरी पर्सनालिटी के लिहाज से बिल्कुल अलग है। अनुष्का ने कहा कि मैं हमेशा से चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस किरदार को कैसे करूंगी। अनुष्का ने बताया कि जहां उन्हें और आदित्य को लग रहा था कि वो ये किरदार नहीं कर पाएंगी, वहीं मनीष और शरद इस बात पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि ये किरदार अनुष्का कर लेंगे। अनुष्का ने बताया कि शरद उनके घर आए और फिर उन्हें समझाया कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये किरदार निभा सकती हैं। हालांकि बावजूद इस सब के अनुष्का ने कहा कि अब मुझे फख्र महसूस होता है कि मैंने ये फिल्म की है। 28 सितंबर को ये फिल्म आ रही है बड़े पर्दे पर बहुत जल्द, सुई धागा मेड इन इंडिया।